हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 12th का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग टू ओवरकम एंगर स्ट्रेस एंड इनसाइट ऑफ प्रोस्पेरस लाइफ, यानी कि क्रोध या तनाव, ठीक है, और समृद्ध जीवन की अंतर्दृष्टि पर काबू पाने की समझ। चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो उद्देश्य है, वो है टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड एडोलेसेंस विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किशोरावस्था में तनाव और चिंता के कारणों की जिम्मेदारी की भावना के साथ जो है वो समझना, ठीक है। सेकेंड है आपका टू कंट्रोल द इमोशंस ऑफ एंगर एंड जेलसी प्रोक्रिएटेड एज अ रिएक्शन ऑफ मेंटल स्ट्रेस, यानी कि मानसिक तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, उसकी भावनाओं को नियंत्रित करना। और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएटिंग अ प्रोस्पेरस लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन मेंटल एनर्जी एंड गुड हेल्थ, यानी कि मानसिक ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर एक समृद्ध जीवन शैली का निर्माण करना। जो चैप्टर है वो आपका इस तरीके से स्टार्ट होता है कि यू शुड एक्सेप्ट इट दैट नोबडी इज बेटर देन यू इन दिस वर्ल्ड एंड दैट देयर इज नो अदर पर्सनैलिटी लाइक यू इन योर सराउंडिंग। तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि इस संसार में आपसे अच्छा कोई नहीं है और आपके जैसा कोई दूसरा पर्सनैलिटी, कोई दूसरा व्यक्तित्व भी आपके आसपास जो है वो नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉसिबल दैट यू कैन नॉट फाइंड अ पर्सन इन दिस सोसाइटी हुज पर्सनैलिटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ योर्स, और ये भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या कह सकते हो कि ये भी असंभव नहीं है कि आपको इस सोसाइटी में ऐसा कोई व्यक्ति ना मिले जिसका मतलब पर्सनैलिटी कह सकती हो या जिसका जो है व्यक्तित्व जो है वो आपके जैसा हो। One must admit that if any person can become great through his contribution, then you can also become great. तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर कोई इंसान जो है, ठीक है, वो अपने योगदान से महान बन सकता है तो हम भी महान जो है वो बन सकते हैं। To attain this purpose, first of all, one need to develop self-confidence and to get rid of all type of mental stress and anger. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उसे अपने अंदर आत्मविश्वास जो है वो जगाना होगा, ठीक है, और सभी प्रकार के जो मानसिक तनाव है, जो गुस्सा है, उससे छुटकारा जो है वो उसे पाना पड़ेगा। वी कैन रिलिश आवर ड्रीम्स बाय गेटिंग रिड ऑफ ऑल टाइप ऑफ बैड हैबिट्स इन आवर लाइफ, यानी कि हम अपने जीवन में सभी प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा पाकर अपने सपनों को हम साकार जो है वो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लाई प्रिंसिपल द टर्म फर्स्ट लव योर सेल्फ मेक्स अस रियलाइज दैट देयर इज नॉट एनी टास्क दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। तो फ्लाई प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या फ्लाई सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि सबसे पहले खुद से प्यार करो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या कहता है कि हमें जो है वो इस बात का एहसास कराता है कि कोई भी ऐसा जो है वो काम नहीं है जो हमारे लिए असंभव हो, यानी कि हम सभी कामों को कर सकते हैं। Hence, if we keep on loving our dreams and their credibility and keep our spirit and moral high, then external circumstances cannot hurt our mind. तो यदि हम अपने सपनों और उनकी जो है वो विश्वसनीयता से जो है वो प्यार करते रहेंगे, अपना जो है वो मनोबल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, तो जितना भी हमारे बाहर का जो सर्कमस्टांसेस है, बाहरी जो परिस्थितियां हैं, वो हमारे हमको जो है वो हर्ट नहीं पहुंचा सकती, वो हमारे दिमाग में चोट जो है वो नहीं पहुंचा सकती। दिस वर्ल्ड इज लाइक एन आइडियलिस्टिक ड्रामा, तो ये जो संसार है, ठीक है, ये जो है वो एक आदर्शवादी जो है वो एक ड्रामा है, ठीक। Our temperament should be to accept ourselves as a part of this drama by remaining happy and free of anxiety. यानी कि हमारा स्वभाव जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि हम खुश रहें, चिंता मुक्त रहकर जो है वो अपने आप को इस ड्रामा का जो है वो पार्ट जो है वो महसूस कर सके, ठीक है। So by getting rid of all type of anxieties while relishing this life that is full of hopes and enthusiasm, if sometimes we face any adversity or hardship, then we should not get disheartened. यानी कि अगर हमें जो है वो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर आशाओं और उत्साह से भरे इस जीवन का आनंद लेते हुए कभी कभी हमारे सामने कोई मुश्किल आ जाती है, कोई कठिनाई आ जाती है, तो हमें निराश जो है वो नहीं होना चाहिए। If we develop this insight to remove stress, then we can lead a prosperous life that is free from anxiety.
तो अगर हम तनाव को दूर करने के लिए इस तरीके से जो है वो अपने मन को, अपने अंतर्दृष्टि को जो है वो हम विकसित कर लेते हैं, तो हम जो है वो एक प्रोस्पेरस लाइफ, यानी कि एक समृद्ध जीवन जो है वो जी सकते हैं, जो कि किसी भी तरीके की चिंता से जो है वो मुक्त होगा। इफ देयर इज नो स्ट्रेस देन देयर विल नॉट बी एनी स्पेस फॉर एंगर और रेज इन आवर लाइफ। अगर हमारी जिंदगी में तनाव जो है वो नहीं होगा, तो हमारे जीवन में जो है वो क्रोध या क्रोध के लिए भी कोई जगह जो है वो नहीं होगी। सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम वेरियस सर्वेस कंडक्टेड ऑन एंग्जाइटीज एंड स्ट्रेस ऑफ मैन शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड केयरफुली। तो मनुष्य की चिंताओं और तनाव पर जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो सर्वेक्षण किए गए हैं, सर्वेस किए गए हैं, उनके कुछ आंकड़ों पर जो है वो भी हमें ध्यान जो है वो देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वेरियस सर्वेज वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट सो मैनी एनेक्सिटीज हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन देमसेल्व्स फॉर सम रीजन और द अदर्स। तो जो अलग अलग सर्वे हुए हैं ना, उनके अनुसार जो है हम जो है वो इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, आप कह सकते हो इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, जिसमें कि मनुष्य जो है वो किसी ना किसी कारण से जो है इतनी सारी खुद के लिए ही जो है वो चिंताएं जो है वो बढ़ाए जा रहा है। ठीक है, तो 40% जो चिंता का कारण है वो इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है। आर ओनली इमेजिनरी एंड फैब्रिकेटेड। तो ये सिर्फ जो है वो मतलब कि दिमाग ख्याली पुलाव कह सकते हो जिसे आप। ठीक है, तो वो है दे डेवलप देयर टेम्परामेंट टू रिमेन इन एन एग्जिटिव विदाउट एनी रीजन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो ये उनका जो है वो व्यवहार बन जाता है कि वो बिना किसी कारण के जो है वो गुस्से में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। ठीक है, 30% जो चिंता का कारण है वो उनके पास्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, एन एग्जिटीज ओवर डिसीजन टेकन इन द पास्ट, इन प्रेजेंट नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। तो अब वो देखो, पास्ट में जो हम काम हमने कर दिया उसमें प्रेजेंट में तो कुछ किया नहीं जा सकता है ना, तो ये भी जो है वो बिना किसी रीजन का है, क्योंकि हम उसको सुधार नहीं सकते, तो उसके बारे में ज्यादा सोच के हमने करना क्या है। फिर 18% जो एनेक्सिटी है, चिंता का कारण है बिकॉज ऑफ स्लैंडर। तो 18% जो चिंता का कारण है वो है बदनामी का डर। ठीक है, कुछ बुरा बोल देते हैं। ठीक है, इविल स्पीकिंग मोटिवेटेड फ्रॉम जेलसी, और वो बुरा जो है वो हम ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण बोलते हैं, जो कि सच्चा जो है वो नहीं होता। 10% जो एनेक्सिटी है, चिंता का कारण है वो हेल्थ रिलेटेड है। ठीक है, फिजिकल ट्रबल रिलेटेड टू हेल्थ व्हेन द सेम स्टोरी इज रिपीटेड। जब एक ही स्टोरी बार बार रिपीट होती है तो हमारे शरीर पर जो तनाव होता है, ठीक है, जो उसको परेशानी होती है उससे रिलेटेड होता है। और 8% एनेक्सिटीज जो होते हैं वो सबस्टेंशियल होते हैं, यानी कि जो 8% जो चिंता का कारण होता है वो संतोषजनक होता है। दीज एनेक्सिटीज डिमांड अटेंशन। तो ये चिंताएं जो है वो आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहती है, बट दी शुड नॉट बी रिपीटेड। लेकिन इसको हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द अबव एनालिसिस दीज एनेक्सिटीज आर बेसलेस एंड लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड हेल्थ। तो जितना भी अब तक हमने ऊपर पढ़ा, उनके अनुसार जो है वो क्या है कि चिंताएं जो है वो बेसलेस है, यानी कि उसका कोई आधार नहीं है, एंड लीड टू, और ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करता है, हमारी एनर्जी वेस्ट करता है, और हमारा हेल्थ जो है उसे खराब करता है। दीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम आर नेचर विथ फर्म डिटर्मिनेशन। तो एक दृढ़ निश्चय के साथ हमें इसे जो है वो अपने नेचर से, अपनी प्रकृति से इसे बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। इफ यू हैव लर्न टू गेट रिड ऑफ एनेक्सिटी फ्रॉम योर लाइफ देन यू हैव लर्न टू गेट रिड ऑफ एंगर। अगर आपने चिंता को खुद से दूर रखना या चिंता से छुटकारा पाना सीख लिया है, तो आपने जो है वो गुस्से से भी छुटकारा पाना जो है वो सीख लिया है। ठीक है, एक्टिविटी 1 है आपका रोल प्ले। अ नीडी एंड फ्यूचर ओरिएंटेड स्टूडेंट हैज हॉलीडेज इन स्कूल। ही इज डिटरमाइंड दैट ही वुड डेफिनेटली फाइंड अ जॉब टू मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ हिज स्टडी एंड टू हैव वर्क एक्सपीरियंस। तो एक जरूरतमंद और एक भविष्य उन्मुख छात्र जो है, उसके उनके स्कूलों में छुट्टियां चल रही थी। ठीक है, तो ही इज डिटरमाइंड दैट ही वुड डेफिनेटली, तो वो जो है वो दृढ़ निश्चय ही था, ठीक है, कि उसको एक जॉब जो है वो मिल जाएगी इन छुट्टियों में, और वो अपने पढ़ाई के खर्चे और उसके साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस जो है वो भी ले लेगा। ही अराइव्स एट अ होटल इन द सेम सिटी टू अपियर इन एन इंटरव्यू फॉर अ वेटर। तो वो अपने ही शहर में जो है एक होटल में जाता है, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए एज अ वेटर। ठीक है, वहां पर वो देखता है कि 20 यंग मेल और फीमेल जो है वो पहले ही वेटिंग रूम में इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। द स्टूडेंट लुक एट देम एंड थिंक्स समथिंग एंड गोज टू द रिसेप्शनिस्ट विद अ स्माइलिंग फेस डिवॉइड ऑफ एनी स्ट्रेस।
तो वो कुछ देखता है, कुछ सोचता है, ठीक है, और वो रिसेप्शनिस्ट के पास बिना किसी जो है वो तनाव के वहां पर जाता है। स्टूडेंट रिसेप्शनिस्ट से कह रहा है, प्लीज गिव मी अ पेपर स्लिप, कि मुझे एक पेपर स्लिप देना। द रिसेप्शनिस्ट गिव्स अ पेपर स्लिप टू द स्टूडेंट, द स्टूडेंट राइट्स डाउन समथिंग ऑन दैट पेपर। तो उसने पेपर दे दिया उसे, ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो पेपर पे कुछ लिखता है। स्टूडेंट हैंड ओवर दिस मैसेज टू द मैनेजर हु इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू प्लीज, कि ये जो है ये जो स्लिप है ये आप जो है वो मैनेजर को दे दो जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट गोज इनसाइड एंड गिव द पेपर स्लिप टू द मैनेजर, तो रिसेप्शनिस्ट जो है वो अंदर जाता है और वो पेपर स्लिप जो है वो मैनेजर को दे देता है। मैनेजर जो है फिर वो उस स्लिप को पढ़ता है, ठीक है, थोड़ा सा सरप्राइज होता है। सेंड दैट बॉय इनसाइड राइट नाउ, कि उस लड़के को अभी अंदर भेजो। रिसेप्शनिस्ट जो है वो बाहर जाती है, ठीक है। मैनेजर सेज टू हिमसेल्फ, खुद से कहता है, आई थिंक ही इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सुटेबल जो है वो कैंडिडेट है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। द इंटरव्यू प्रोसेस कंटिन्यू, तो जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो जो है वो चल रहा है। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट व्हाट कुड हैव बीन रिटन बाय दैट स्टूडेंट सो दैट आफ्टर रीडिंग इट द मैनेजर इमीडिएटली मेड अप हिज माइंड टू अपॉइंट दैट स्टूडेंट फॉर द जॉब। तो टीचर जो है ना वो स्टूडेंट से पूछेगा कि उस स्टूडेंट ने ऐसा क्या लिखा था उस स्लिप में जिसको पढ़ने के बाद मैनेजर ने उसे जो है वो उसी टाइम जो है वो जॉब के लिए अपॉइंट कर लिया। ऑल द स्टूडेंट विल आंसर, सभी स्टूडेंट जो है वो अपने अपने आंसर देंगे जो भी उनके दिमाग में आएगा, है ना। व्हाट एवर द आंसर मे बी द टीचर विल अप्रिशिएट द आंसर, तो उनका आंसर कुछ भी होगा टीचर जो है वो उनको उनकी तारीफ करेंगे, कम से कम उन्होंने बोला तो सही, क्लास में पार्टिसिपेशन तो किया। एट द सेम टाइम शी और ही विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द रोल प्ले हैज स्ट्रेट द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इन विच डायरेक्शन, और उसी के साथ साथ जो है ये पता तो जो है उसी के साथ साथ टीचर जो है वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो रोल प्ले था, ठीक है, उसने स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन को किस डायरेक्शन की तरफ जो है वो मोड़ दिया है, उसकी कल्पना शक्ति को किधर तक लेके गए हैं। स्टूडेंट ने क्या लिखा था, अंटिल माई टर्न इज नॉट ओवर प्लीज डू नॉट टेक एनी डिसीजन, कि जब तक मेरी जो है मेरा टर्न नहीं आता तब तक अपना डिसीजन जो है वो फाइनल मत कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, कि कोई निर्णय जो है वो तब तक मत लीजिएगा। दैट मीन्स कि उसको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था, है ना, कि जब मेरा इंटरव्यू हो जाएगा तो मैं ही सिलेक्ट होऊंगा और इस वजह से तब तक के लिए आप अपना कोई डिसीजन मेरे इंटरव्यू से पहले ही किसी को जो है वो सिलेक्ट मत कर लेना। द मैनेजर हैड थॉट दिस बॉय इज फुल ऑफ अमेजिंग एंथुसियाज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो मैनेजर ने जो सोचा कि ये जो लड़का है ये इसमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है, और इसमें आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ही विशेस टू कन्वे द मैसेज दैट नो डिसीजन शुड बी टेकन बिफोर इंटरव्यूइंग हिम, तो यहाँ जो स्टूडेंट है वो ये मैसेज कन्वे करना चाहता है, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन जो है वो उसके इंटरव्यू होने से पहले जो है वो ना लिया जाए। ही सल्यूटेड हिज थॉट एंड वॉज कन्विंस दैट ही वॉज द ओनली सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, तो उसने अपने जो थॉट है उसको सल्यूट किया, ठीक है, और वो अपने आप को मना लिया कि सिर्फ वो ही जो है वो इस पोस्ट के लिए जो है वो सुटेबल कैंडिडेट है, ठीक है, केवल वही जो है इस पोस्ट पे अच्छे तरीके से काम जो है वो कर सकता है। एक्टिविटी टू, विद द कोऑपरेशन ऑफ देयर टीचर द स्टूडेंट्स विल इंटरेक्ट विद देयर क्लासमेट्स इन द क्लासरूम एंड ट्राई टू ड्रॉ आउट कंक्लूजन ऑफ द अबव रोल प्ले ऑन द बेसिस ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स गिवन बिलो, तो यहाँ पर के सहयोग से जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्लास में अपने जो क्लासमेट्स हैं या आप कह सकते हो जो सहपाठी है उनसे जो है वो बातचीत करेंगे और जो नीचे दिए गए तीन पहलुओं के आधार पर जो है जो भी उन्होंने ऊपर रोल पे पढ़ा है, ठीक है, उसके निष्कर्ष निकालने का जो है वो प्रयास करेंगे। इंस्पिरेशन हाई मॉरल एंड एंथुसियाज्म आर इनर स्टेट्स ऑफ द माइंड that do not have such relationship with external circumstances, human beings and external things that they can make our motivation power negative and create stress, ठीक है, तो यानी कि जो प्रेरणा है, उच्च मनोबल, उत्साह, ये मन की जो आंतरिक अवस्थाएं हैं, ठीक है, जो इनर स्टेट है, तो इनका बाहरी परिस्थितियों, मनुष्य और बाहरी चीजों से जो है वो ऐसा संबंध नहीं है कि वे हमारी जो है वो प्रेरणा शक्ति, हमारा जो मोटिवेशन पावर है, ठीक है, उसको वो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव बना सके या उसमें जो है वो तनाव पैदा कर सके। द स्टूडेंट डिडंट लूज हिज हर्ट बाय लुकिंग एट द कैंडिडेट्स हु वर ऑलरेडी सिटिंग देयर फॉर द इंटरव्यू, तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है वो इतने सारे जो है वो कैंडिडेट्स को देखकर भी जो है उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, ठीक है, वो निराश नहीं हुआ।
ही डिड नॉट थिंक दैट ही वॉज नॉट बेटर देन दोज कैंडिडेट. उसने ये नहीं सोचा कि वो बाकी कैंडिडेट से अच्छा जो है वो नहीं है. एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए. तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं. रेदर ही शोड हिज हाई स्पिरिट बाय कन्वेइंग हिज मैसेज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग टू द इंटरव्यूअर. हालांकि उसने जो है वो क्या किया कि इंटरव्यूअर को, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा था उसको जो है वो अपना मैसेज जो है वो कन्वे देख करके, यानी कि अपना संदेश देकर जो है वो मतलब कि पॉजिटिव मैसेज देकर, ठीक है, तो जो है वो उच्च भावना का जो है वो परिचय दिया. विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट ऑल्दो सर्कमस्टांसेस आर एडवर्स एंड पाथ इज फुल ऑफ हार्डशिप. तो यहाँ पर जो है हमें इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचे वो ये है कि हालांकि जो है हमें जो है वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, विपरीत परिस्थितियां हैं, या हमारे जो रास्ते हैं वो कठिनाइयों से भरे हुए, काफी मेहनत करनी पड़ती है. इफ आर स्टेट ऑफ माइंड इज फर्म, लेकिन अगर हम जो है वो दृढ़ निश्चयी हैं, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है, उत्साह बना रहता है, और हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो हम चिंता से मुक्त जो है वो हो जाते हैं, ठीक है. एक्टिविटी 3. फॉर दिस एक्टिविटी द टीचर विल अरेंज सम मटेरियल्स एंड इन्वॉल्व दोज स्टूडेंट हु यूजुअली डोंट शो मच इंटरेस्ट इन डूइंग एनी एक्टिविटी. तो यहाँ पे टीचर जो है वो कुछ मटेरियल जो है उसको जो है वो अरेंज करेंगे, ठीक है, और उन स्टूडेंट को इस एक्टिविटी में शामिल करेंगे जो कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं करना चाहते, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्लास में. फॉर दिस एक्टिविटी द रिक्वायर्ड मटेरियल आर अ बिग अनराइप पोटेटो एंड अ स्ट्रॉ. तो यहाँ पे जो मटेरियल चाहिए वो है जो कच्चा आलू, ठीक है, और दूसरा है एक स्ट्रॉ, ठीक है. होल्डिंग द पोटेटो इन वन हैंड एंड द स्ट्रॉ इन द अदर हैंड द टीचर विल कॉल द स्टूडेंट हु यूजुअली रिमेन साइलेंट और इनएक्टिव इन द क्लास. तो एक आलू जो है वो होल्ड करते हुए, ठीक है, एक हाथ में आलू और एक हाथ में स्ट्रॉ जो है वो पकड़ते हुए टीचर जो है ऐसे स्टूडेंट को जो है वो क्लास में से जो है वो बुलाएगा जो कि एक्टिविटी में ज्यादा जो है वो रुचि जो है वो नहीं दिखाते, ठीक है, या क्लास में साइलेंट बने रहते हैं. स्टूडेंट शुड बी कॉल्ड वेरी रिस्पेक्टफुली बाय हिज नेम, और स्टूडेंट्स को बहुत ही इज्जत के साथ जो है उसके नाम से जो है वो बुलाया जाएगा. द टीचर विल आस्क दैट स्टूडेंट कैन यू इंसर्ट दिस स्ट्रॉ अक्रॉस दिस पोटेटो इन वन अटेम्प्ट. तो यहाँ पर टीचर जो है वो उस स्टूडेंट से बोलेंगे कि क्या तुम एक कोशिश में इस आलू के अंदर ये स्ट्रॉ जो है वो डाल सकते हो. द अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास विल ऑल्सो टेल वेदर दिस स्टूडेंट कैन परफॉर्म द टास्क और नॉट. तो क्लास के दूसरे स्टूडेंट जो है वो भी बताएंगे कि वो ये लड़का जो है वो काम कर सकता है ये कि नहीं कर सकता, ठीक है, या ये स्टूडेंट जो है वो ये काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा. बिकॉज द स्ट्रॉ इज नॉट हार्ड. अब क्योंकि स्ट्रॉ जो है वो हार्ड तो है नहीं, ठीक है, इनफ, एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू इंसर्ट इट अक्रॉस एन अनराइप पोटेटो. और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि कच्चे आलू में से उस स्ट्रॉ को जो है वो बाहर निकाला जाए, ठीक है. द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन दिस एक्टिविटी. यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स का ओपिनियन, उनकी राय जो है, ठीक है, वो भी जो है वो इस एक्टिविटी में मायने रखती है. टीचर, लेट अस सी, चलो देखते हैं. टीचर हैंड ओवर द पोटेटो एंड द स्ट्रॉ टू द स्टूडेंट. तो टीचर ने वो आलू और स्ट्रॉ स्टूडेंट को दे दिया. टीचर, नाउ आई विल से 1 2 3. अब मैं 1 2 3 बोलूंगी, देन आई विल से फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद मैं बोलूंगी कि इंस्ट्रक्शन को, यानी जो जो भी आपको निर्देश दिया जा रहा है उसका जो है उसको पालन करो, ठीक है. इन दिस एक्टिविटी द स्टूडेंट विल पुश द स्ट्रॉ इनटू द पोटेटो विद वन जर्क. तो यहाँ पे जो है वो एक ही झटके से जो है वो स्टूडेंट जो है जो स्ट्रॉ को आलू के अंदर जो है वो डाल देगा, ठीक है. If the student does not succeed in inserting in the first attempt, then this activity can be repeated. लेकिन अगर वो स्टूडेंट एक बार में वो इंसर्ट नहीं कर पाता स्ट्रॉ, इन केस वो पोटेटो के अंदर नहीं डाल पाता, तो उसको ये एक्टिविटी जो है वो रिपीट करने के लिए भी कहा जा सकता है, या उसको ट्राई करने के लिए और मौके दिए जा सकते हैं. द स्टूडेंट ट्राइज, तो स्टूडेंट जो है वो कोशिश करेगा, ठीक है. अ टाइम कम्स वेन द स्टूडेंट इज एबल टू इंसर्ट द स्ट्रॉ अक्रॉस द पोटेटो. तो एक समय ऐसा भी आएगा जब स्टूडेंट जो है वो उस पोटेटो के अंदर इस स्ट्रॉ जो है वो इंसर्ट करने मतलब कि कर पाएगा, ठीक है. द टीचर अप्लॉड्स फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट्स हु शेयर द जॉय ऑफ दिस सक्सेस. तो टीचर के साथ साथ जो स्टूडेंट्स है वो भी जो है वो
खुशी से जो है वो क्लैपिंग जो है वो करेंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट लीव देयर सीट्स, और स्टूडेंट्स जो है वो जहां पर बैठे थे वहीं बैठे रहेंगे, अपनी सीट्स को नहीं छोड़ेंगे। द क्लास विल बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप, क्लास को अब दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अ डिबेट विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द फोर पॉइंट्स मेंशन बिलो, तो क्लास में एक डिबेट करवाई जाएगी, ठीक है, जो कि इन चार पॉइंट्स को जो कि आपको आगे बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी फन। दिस इज अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने वाली है। इट इज ट्रू दैट ऑल्दो देयर इज स्ट्रेस और एंग्जाइटी इन द बिगनिंग, येट द वर्क कैन बी कम्प्लीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, पेशेंस एंड करेज। तो ये सच है कि शुरुआत में जो है वो तनाव हो सकता है, चिंता हो सकता है ना, लेकिन जो है वो मन की प्रबल शक्ति, धैर्य, ठीक है, और साहस या हिम्मत से जो है इस काम को पूरा किया जा सकता है। अगला है प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स ट्राई टू पास द हार्ड स्ट्रॉ अक्रॉस द पोटेटो विद वन जर, तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो स्ट्रॉ को जो है वो एक ही झटके में जो है पोटेटो से पास करने की कोशिश की थी, दे वर अनसक्सेसफुल, वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो हार गए। विच मीन्स विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड ओबीडियंस ऑफ द एडवाइस गिवन बाय द पेरेंट्स एंड टीचर्स, द अप्रोप्रिएट रिजल्ट कैन नॉट बी अचीव्ड। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि माता पिता, ठीक है, और जो टीचर्स द्वारा दी गई सलाह की उचित समझ जो है वो सीखने और जो है वो टीचर की आज्ञा ना मानने की वजह से उचित जो है वो रिजल्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें टीचर्स की भी बात सुननी पड़ेगी, पेरेंट्स की भी बात सुननी पड़ेगी, और सिर्फ बात सुननी नहीं है, उनको फॉलो भी करना है, उनका पालन भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। व्हेन अ टीचर इन्वॉल्व्स अ स्टूडेंट हु इज यूजुअली साइलेंट, ही इंस्पायर्स हिम नेचुरली बाय एक्सप्लॉइटिंग हिज एग्जिस्टिंग क्वालिटी ऑफ इनर पेशेंस एंड कंटेंट। तो यहाँ पे जब टीचर जो है वो उस स्टूडेंट को जो इस एक्टिविटी में शामिल कर रहा है जो कि क्लास में जो है वो खासकर चुप रहता है, ज्यादातर चुप रहता है, तो यहाँ पे जो टीचर है वो उसका जो मतलब कि इनर पेशेंस है, जो सब्र है उसका, जो संतोष है उसकी, जो एग्जिस्टिंग क्वालिटी है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी कि उसका शोषण कर रहा है, ठीक है, और उसको मौका दे रहा है कि वो क्लास में लोगों के सामने जो है वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके। दस दे विल अंडरस्टैंड दैट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन कैन मेक एवरी इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल। तो यहाँ पर जो है हम ये समझ सकते हैं, ठीक है, कि जो एनकरेजमेंट है, ठीक है, यानी कि जो प्रोत्साहन देना है, तो उसकी वजह से जो इम्पॉसिबल टास्क है, जो ऐसा काम है जो कि पॉसिबल नहीं है, उसको भी जो है वो पॉसिबल बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है आपका रिफ्लेक्शन, यानी कि चिंतन। इट हैज बिकम क्लियर टू अस फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट इफ वी आर कंप्लीटली टेंशन फ्री, वी कैन मेक आर पेशेंस, कंटेंटमेंट एंड कंसिस्टेंसी मेक एन इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल। तो ये तो बात जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि अगर हम में कोई टेंशन नहीं है, हम कंप्लीटली टेंशन फ्री है, तो हम अपने सब्र से, संतोष से, अपना कंसिस्टेंसी होता है जो हम रेगुलरिटी लेके आते हैं, ठीक है, उससे जो है अगर हम कोई काम जो है रेगुलर करें तो उससे हम इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल जो है वो बना सकते हैं, यानी कि असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू डू एनी वर्क, परस्यू सब्जेक्ट, कोर्स और जॉब एक्सेट्रा। तो ये काम जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं है कि कोई काम करना, किसी सब्जेक्ट को जो है वो उसको पढ़ना, ठीक है, या कोई कोर्स करना या जॉब करना। रेदर विद द अबव क्वालिटीज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस कैन बी ओवरकम। तो यहाँ पे जो आपको जो क्वालिटीज दी गई है उनकी वजह से आप किसी भी मुसीबत का सामना, किसी भी परिस्थिति को जो है वो इजीली जो है वो ओवरकम कर सकते हो, उसे हरा सकते हो, ठीक है। वर्कशीट, राइट एनी अदर एक्टिविटी लाइक द वन अबव विच हैज मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो ऊपर की तरह जैसे आपने इससे पहले एक्टिविटी पढ़ी, उसी की तरह आपने कोई दूसरी एक्टिविटी लिखनी है जिसने कि असंभव को संभव जो है वो बना दिया हो, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग इज सच अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी एंड इट सीम्स एन इम्पॉसिबल एक्टिविटी फॉर मी। तो पब्लिक स्पीकिंग यानी कि सबके सामने बोलना, सार्वजनिक रूप से बोलना जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है और ये मेरे लिए लगभग जो है वो असंभव सा काम है, ठीक है। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कॉन्फिडेंटली स्ट्राइडिंग ऑन टू द स्टेज टू गिव अ स्पीच और प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन विद ईज एंड एग्जिटिंग टू चीयर्स एंड अप्लॉज। तो मैंने हमेशा से एक सपना देखा था, ठीक है,
कि मैं जो है वो काफी कॉन्फिडेंटली जो है वो स्टेज पे जो है वो चढ़ रही हूँ, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी मैं इजीली जो है वो जवाब दे पा रही हूँ, और जब मैं उतर रही हूँ, जब मैं स्टेज से जो है वो जा रही हूँ, तो तालियों तालियां जो है वो खूब बज रही हैं, ठीक है। वन डे माई इंग्लिश टीचर आस्क्ड मी टू टेक पार्टिसिपेशन इन द स्पीच कॉम्पिटिशन। तो एक दिन मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे कहा कि तुम स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग जो है वो इजी नहीं था। शी गेव मी इंस्ट्रक्शन टू रिमूव फियर, उन्होंने मुझे जो है वो कुछ सलाह दी ताकि मैं अपने डर को जो है वो दूर कर सकूं। आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई, मैंने सोचा कि एक कोशिश तो करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लर्न माई टॉपिक सो वेल दैट आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो मैंने अपना टॉपिक इतने अच्छे से याद किया कि मुझे उसके बारे में सोचना ही ना पड़े, ठीक है। देन आई ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स, और उसके बाद मैंने शीशे के सामने खड़े होकर 3 घंटे तक बोलने की जो है वो प्रैक्टिस की, ठीक है। After that, I again speak on the same topic in front of my family members. और उसके बाद मैंने same topic जो है वो अपने family members को बिठाया और उनके सामने भी बोलना शुरू किया. And on the day of speech, I spoke so well that nobody get to know that I ever have faced fear of public speaking. तो जिस दिन स्पीच था, ठीक है, उस दिन मैंने इतने अच्छे से बोला कि किसी कोई जो है वो ये भांप भी नहीं पाया, या कोई ये जज ही नहीं कर पाया कि मुझे कभी पब्लिक स्पीकिंग से डर भी लगता था, ठीक है। आई इवन वॉन फर्स्ट प्राइज ऑन द डे फॉर स्पीच, तो मैंने जो है स्पीच वाले दिन जो है वो फर्स्ट प्राइज भी जीता। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड माई इंग्लिश टीचर वॉज इवन मोर हैप्पियर देन मी ऑन दिस अचीवमेंट। मैं तो बहुत ज्यादा खुश था ही, लेकिन मेरी इंग्लिश टीचर मुझसे भी ज्यादा खुश थे मेरे इस अचीवमेंट को देखकर, ठीक है। इट वॉज विद कॉन्फिडेंस पेशेंस एंड ऑबिडियंस टू टीचर्स एडवाइस दैट आई रिमूव्ड माई फियर एंड फेसेस पब्लिक कॉन्फिडेंटली। तो ये जो है मेरे जो है वो कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ, मेरे सब्र की वजह से हुआ, टीचर का कहना, टीचर जो एडवाइस कर रहे थे उसको मानने की वजह से हुआ कि मेरा डर जो है वो लोगों के सामने खुल गया। अब मैं लोगों के सामने बोलने से नहीं हिचकिचाती, नहीं डरती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट अ टास्क विच यू आर एबल टू सॉल्व इट विद कॉन्फिडेंस डिस्पाइट बीइंग इन एनजाइटी एंड स्ट्रेस। यानी कि एक ऐसे काम के बारे में लिखो जिसे आप चिंता और तनाव में रहते हुए भी आत्मविश्वास के साथ हल करने में सक्षम थे, ठीक है। तो आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द साइंस फेयर दैट इज हेल्ड इन माई स्कूल एवरी ईयर। मैं स्कूल में, हमारे स्कूल में हर साल जो है वो साइंस फेयर लगता है, साइंस का मेला लगता है, तो मैं उसको जो है वो ज्वाइन करना चाहती थी, पार्टिसिपेशन करना चाहती थी। माई टीचर हैड नो फेथ इन मी, मेरे टीचर को मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। सो टू प्रूव हिम रॉन्ग आई वर्कड हार्ड एंड मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ सोलर पैनल। तो मैंने अपने टीचर को गलत साबित करने के लिए, कि वो सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, लेकिन उनको गलत साबित करने के लिए कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक सोलर पैनल का वर्किंग मॉडल बनाया जो कि रियल में काम करता था। माई टीचर वॉज अमेज विद माई एफर्ट्स, मेरे टीचर जो है वो मेरी कोशिश को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए। ही हैड रिटन माई नेम इन द सेम लिस्ट वेयर ही हैज रिटन द नेम ऑफ अदर स्टूडेंट्स। तो उन्होंने मेरा नाम वहां पर लिखा जहां पर उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स का नाम लिखा था जिन्होंने की साइंस फेयर को ज्वाइन करना था, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव डन इट विद माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मैंने ये जो है वो खुद आत्मविश्वास के बल पर जो है वो ये काम संभव कर दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू वे ऑफ लाइफ डिड यू एक्सपीरियंस फ्रॉम द अबव रोल प्ले एक्टिविटीज राइट इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि जो आपने ऊपर रोल प्ले जो है उसकी एक्टिविटीज पढ़ी, उससे आपने जीवन में किस नए तरीके का अनुभव किया उसको आपने अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो फ्रॉम द रोल प्ले एक्टिविटीज आई एक्सपीरियंस दैट वी कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल विद सेल्फ कॉन्फिडेंस पेशेंस मोटिवेशन एंड बाय फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। तो ऊपर की एक्टिविटीज को पढ़ने के बाद मैंने ये जाना, ठीक है, या मैंने ये महसूस किया कि हर काम जो है वो संभव है अगर हम जो है उस काम को अपने आत्मविश्वास के साथ, सब्र के साथ, प्रेरणा के साथ करें, ठीक है, पेरेंट्स और टीचर्स की सलाह मानते हुए करें, तो हम सभी कामों को जो है वो इजीली कर सकते हैं, उसको संभव बना सकते हैं। वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ रिमूविंग स्ट्रेस एंड एंग्जायटी फॉर अ हैप्पी लाइफ। हमें अपने जीवन में चिंता को दूर करने की, ठीक है, तनाव को दूर करने की जो है वो कला सीखनी चाहिए ताकि हम एक खुशहाल भरी जिंदगी जो है वो जी सके।
बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।